इसे थोड़ा मज़बूत करेंगे, ईंटें रख देंगे साथ साथ ना, तो ये थोड़ा और भी मज़बूत हो जाएगा। इसका पानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको खुशाबाद रखे। जिन भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से ये केजेस बन गए मेरे, तीन पोर्शन हैं इसके। ये देखें गाइस, इस न्यू वाले में बजरीज डाले हुए मैंने, और इसमें अभी मैंने रखने हैं जी बेंटम इसमें रखेंगे, और जो देसी मुर्गे हैं ना वो इस पोर्शन में रखेंगे। उनको वहाँ से निकाल देंगे, निकाल के इसमें डालेंगे, वहाँ पे रखेंगे हम खरगोश इंशाल्लाह। तो ये देखें गाइस, ये जगह थोड़ी तंग है, ये इसमें ना खरगोश वगैरह सही रहेंगे इंशाल्लाह से। तू अभी बंद हो जा, तूने बड़ा जलील किया हुआ है मुझे, कोटी की कान। अब फीड वगैरह डालेंगे तो खुद ही अंदर चली जाएंगी। ये देखो गाइस, ये देखें आ रही है, चलो ये यहाँ पे फिरती रहें। जब मैं चारा ले आऊँगा, बकरी को चारा डालूँगा, तो तब जाके मैं इनको अंदर कवर कर दूँगा। ये देखें गाइस, दो खिड़कियाँ इधर लग गई और एक खिड़की यहाँ पे लगी है। अभी छत वगैरह पे कुछ भी नहीं डाला मैंने, इस पे छत पे कुछ डालेंगे क्योंकि अब धूप भी निकल आएगी, माशाल्लाह सूरज निकल रहा है। तो अभी ये जो इसमें वो ट्री खड़ा था, मतलब कि लकड़ी का, वो भी इसमें इंशाल्लाह लगाना है। तो ये देखें, ये चारे में पड़ी हुई हैं बकरी के। तुम्हें तो नहीं निकाल रहा, तुम इधर ही रुको अब। और दोस्तों ये सारा कचरा आज साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें छोटी सी गली बन गई है, कल को ये भी एक पोर्शन हमारा बन जाएगा उसका, केज का दो बन जाएंगे, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। दोस्तों बताइएगा कि कैसा बना है ये केज, और माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ा होता जा रहा है मेरा मिनी ज़ू। ये देखें गाइस, यहाँ पे कबूतर आ गए हैं जो मैंने वहाँ पे रखे हुए थे, इधर आ गए। अब देखें गाइस, अभी हमने एक और काम रहता है हमारा, एक्वेरियम का फ़िश हाउस बनवाना है यहाँ पे कॉर्नर पे। मैंने तो कहा है कि यहाँ पे बनवा लेते हैं, तो कज़न ने कहा है कि नहीं इधर ही बनवाते हैं कॉर्नर पे, अच्छा लगेगा, और ये केज ना इधर ही रहेगा। ये देखें दोस्तों, इसे ठंड लग रही है या जो भी, तो बाहर आ जा। ये देख अब सुकून से घूम फिर दो। और दोस्तों ये देखें, इसने अंडे अभी तक नहीं दिए, और ये देखें माशाल्लाह ये प्यारा जोड़ा है, इसने दो अंडे दिए हुए हैं अभी। इनके इसके काम चेक करो, दाना खाने के चक्कर में ऊपर चढ़ रही है ये, हट जा। और गाइस सरप्राइज, मेरे लक्का पेयर ने अंडे दे दिए माशाल्लाह से, फीमेल ने अंडा दिया। मुझे कल बुला के कहा है कि आके देखो, ये देखो किस तरह कर रही है ये, ये देखो ये एग दिया हुआ है। ये देखें गाइस, ये देखें दोबारा जाके अंडे पे बैठ गई ये, और ये देखें गाइस ये मेल बैठा हुआ है, इसे बंद कर देते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से पर वगैरह पूरे निकले हैं।
फिर भी ये 2-4 दिन इसके अंदर ही रहेंगे, फिर जाके निकलेंगे। और इसका जो इसकी जो फीमेल है ना उसको चेंज करेंगे, ऊपर जो फीमेल बैठी थी ना ये जो फिर रही है बहर, इसके साथ इस वाइट को लगाएंगे और इस फीमेल को अलहदा कर देंगे। ये देखो गाइस, ये इसमें पहुंच गई है, इसमें से चीजें निकाल लेते हैं हम, इसे बास्केट को निकाल लेते हैं। तू भी आ जा बाहर, आ जा। और इसे भी निकाल लेते हैं, इसमें रखेंगे पानी। दोस्तों इसे इधर ही बांध देते हैं अंदर की साइड पे ना। दोस्तों ये देखिए, मैंने ये पानी के लिए बर्तन लगा दिए, अभी इसके साथ ईंटें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें गाइस, ये तार के साथ बांध दिए इसे, ये देखें अब ये नहीं गिरेगा। इसमें ऊपर से पानी डाल देंगे या इधर से पानी डाल देंगे तो ये पीती रहेंगे। अब मैं कहता हूँ कि मुर्गियों को दाना डाल ही दूँ अंदर, दाना गया है था मैं। ये देखें गाइस, सारी मुर्गियाँ आ गई। काम चेक करो, खाने के लिए नहीं आ रहा। अभी नीचे फेंक रहे हैं, 1-2 दिन तक मैं इनके बर्तन वगैरह ले आएंगे, जो ये जहर भी नहीं करेंगे, सारी खा जाएंगे इस तरह। कौन सा था इसके लिए खाने के लिए नहीं है, ज़बरदस्ती अंदर जाने के लिए। चलो चलो अंदर, चलो चलो। निकलो यहाँ से, ये देखो कुछ इसमें घुस गई, कुछ इसमें घुस गई, ये देखें आ रही है। तो क्या करने आ रही है, निकल। चल तू भी चल अंदर, चल। इस पे लगा देते हैं कोई ईंट के दरवाजे पे, ये दोबारा ना निकले। पता है पानी भी नहीं है, पानी भी ले आता हूँ मैं। अभी तुम अपने नए घर में मज़े करो। दोस्तों थोड़ी खुराक उसे भी डाल देता हूँ। बल्कि तुम भी बह रहा हो, तुम के लिए भी नया घर मैंने बना दिया। आज आ 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
इधर आओ। ये भी अंदर चले गए। इसके आगे भी इंट रख देते हैं कि बाहर ना निकले। अभी दोस्तों नीचे से पानी ले आता हूँ मैं। मुर्गियों को पानी रखते हैं, तोतों का पानी पड़ा है और ये कबूतरों के लिए भी पानी रख देते हैं। दोस्तों पानी ले आया हूँ मैं और इसमें डालेंगे पानी। दोस्तों अब इस तरह पानी गंदा भी नहीं करेंगे यार। ये देखो फिर भी हिला दिया इसे इन्होंने, प्यासी लगता है। ये देखेंगे पी रहे हैं पानी। ये देखेंगे इसे थोड़ा मजबूत करेंगे, ईंटें रख देंगे साथ साथ ना, तो ये थोड़ा और भी मजबूत हो जाएगा। इसका पानी रख दिया है दोस्तों। अभी बकरी के लिए चारा भी लेना है। क्या करें, चारा अब पड़ रहा है पानी। ये बंद ही पड़े रहें तो ठीक है। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।